20 साल और 30 साल की उम्र के लोगों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ओ, ये कौन है? क्या मैं 30 की उम्र में इतनी बोरिंग और बेकार दिखूंगी? पर मैं तो खुश हूँ जैसे मैं अब हूँ, अपने गुलाबी बाल और फंकी कपड़ों के साथ। जब आप 20 साल के होते हैं तब आपके जिंदगी में बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही होता है, पार्टीज, नाच गाना और बेइंतहा शराब। आप सुबह घर पहुंचते हैं और बिस्तर पर बिना कपड़े बदले ही सो जाते हैं। जैसे ही आपकी आंख लगती है आपके किसी दोस्त का फोन आ जाता है, फिर से पार्टी, पूछने की क्या जरूरत है, मैं जरूर आऊंगा। ये सब चलती रहना चाहिए, जिंदा दिली ही ताकत है। क्या होता है जब आप 30 पार कर जाते हैं? मेरा सर चकरा रहा है, सुस्ती आ रही है। ओह, ये शायद इसलिए कि तुमने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। असल में वहाँ शराब नहीं थी, तुमने बस रम से भरी चॉकलेट खाई। एक बाइट, दो बाइट, और फिर तुम्हें ये चढ़ गई और सुबह ये उतर ही नहीं रही। हाँ, तुम सच में लड़खड़ाने लगते हो जब तुम 30 पार कर जाते हो। जब तुम 20 साल के होते हो तो तुम्हारा स्टाइल कुछ अलग ही होता है, बस एक ही नियम, जितना चमकदार उतना बढ़िया। नियॉन कलर्स, मनचाहे स्टाइल्स, अपनी मर्जी के मालिक। एक तोता भी इनके आगे फीका दिखेगा। कुछ भी करने की आजादी ही इनके जिंदगी का आधार है। 30 साल की उम्र में बेहतर है कि आपको कपड़े पहनने की समझ आ जाए, और शायद आप इस उम्र में अच्छे से तैयार होना पसंद करते हैं। पर पागलपंती और भड़कीले रंग तो जवान लोगों पर ही फबते हैं, है ना? जब आप 20 की उम्र में होते हैं तो आप और आपका पतला शरीर पूल पर जा सकता है, पर आप फिर भी थोड़ा बहुत शर्माते हैं। ओह, पानी कितना ठंडा है। अच्छा हुआ तुम तौलिया ले आई, अब तुम खुद को ढक सकती हो। अरे नहीं लड़का, हे भगवान। 30 पार करने पर शायद आपका पेट थोड़ा निकल जाए, पर ये आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। यहाँ की रानी कौन है? तुम्हें पता है वो मैं ही हूँ। ठीक है, चलो तैरती है। एक 20 साल के लड़के की किचन में क्या मिलेगा? ओह, यहाँ पर तो काफी मजेदार चीजें हैं। हर मौके के लिए शराब ही शराब, ये तो पूरा बार है, और बहुत सारे स्नैक्स जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि शुरू कहाँ से करें। जब आप 30 के हो जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। अब ये उस इंसान का कैबिनेट है जिसे अपनी सेहत का ख्याल है। हमारे पास यहाँ क्या है? टूथपेस्ट, दवाइयाँ, विटामिन्स और मिनरल वाटर। मिनी बार फर्स्ट एड किट में बदल गया। ओह, मेरी कमर फिर से दर्द कर रही है। अब तुम क्या चाहते हो? तुम इस तरह से इतनी देर तक नहीं बैठ सकते। जब तुम 30 साल के हो गए अब तुम्हें परेशानी होगी। तुम्हारी डेट कैसी होती है जब तुम 20 साल के होते हो? तुम्हारा चेहरा मुहासों से भरा हुआ है। ओप्स, मैं सच में इन्हें याद नहीं करना चाहता। पर जब तुम्हारे दिल में उत्सुकता होती थी तुम अजीबोगरीब हरकतें करते हो। तुम बार बार अपनी घड़ी देखते हो और सहमे रहते हो कि तुम्हारी डेट आएगी भी या नहीं। लो आ गई। तुम उसे फूल देते हो। तुम बहुत शर्मिंदा हो। पर यहाँ पर एक और गंभीर बात है, तुम्हारे मुहासे तुम्हारी डेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो ये काम नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा डेट मिलेगी, और समय के साथ साथ तुम्हारे मुहासे चले जाते हैं, और अब तुम एक कामयाब 30 साल के लड़के हो और उसी लड़के के साथ डेट कर रहे हो। वो अब तुम्हें एक अलग ही नजरिए से देख रही है। हाँ, यकीनन वो करेगी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाबी मिल गई है। अब तुम वो अजीब से लड़के नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे याद भी है। वो अब तुम पर पूरी तरह से फिदा है, और वो अकेली नहीं पर तुम्हारा गुरूर अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तुम सच में एक प्लेबॉय हो। जवानी की सबसे अच्छी बात होती है शरीर में बहुत एनर्जी होना। कुछ भी करना आसान लगता है, खेल कूद, नाचना और एक्सरसाइज। तुम तितली की तरह उड़ते हो और जलाओ। पर चीजें बदल जाती हैं जब तुम 30 के होते हो।
खासकर उन लोगों के लिए जो अपना बहुत समय ऑफिस में बिताते हैं और एक साधारण जिंदगी जीते हैं। झट से उठ जाना मुश्किल लगता है। ओह, मुझे लगता है मुझे फिर से बीपी की दिक्कत हो रही है। मुझे मेरा मॉनिटर दो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मेरा सर दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मैं बस अपनी कुर्सी से उठना चाहती हूँ। शांत हो जाओ 30 साल की लड़की। बीस साल की लड़कियाँ किसी भी तरह के कपड़े पहन लेती हैं। हम सब ने ये देखा ही है। मिनी स्कर्ट, चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे बाहर बहुत ज्यादा ठंड भी हो, पर तुम अपनी टांगों को कैसे ढक सकती हो? नहीं, चाहे हमें सर्दी ही क्यों ना लग जाए, ये किसी से नहीं डरते। अरे देखो, तुम्हारी बड़ी बहन आ गई। इसके कपड़े कुछ अजीब से हैं। हे, तुम इस तरह दादी माँ क्यों बनी हो? तुम गर्म रहने के लिए कुछ भी करोगे? नहीं, जरूरी ये है कि तुम्हें खूबसूरत दिखना चाहिए। और चलो अब देखते हैं आज से 10 साल बाद ये कैसी लगेंगी। ये क्या है? इसने तो खुद को सर से पांव तक ऐसे ढका है जैसे ये नॉर्थ पोल पर हो। बड़े लोग समझदार होते हैं। इसने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख लिया और ये अपनी सेहत का ख्याल रखती है। और इतने ठंडे मौसम में भी मिनी स्कर्ट तो बिल्कुल नहीं। उफ, ये हर चीज पहनेगी। फर वाली जैकेट, गर्म पैंट और हैट। फिर भी इसे ठंड लग रही है। अरे, इस पागल लड़की को तो देखो, बाहर बर्फ पड़ रही है और इसने तो कुछ भी नहीं पहना। हाँ, जरूर ही इसका दिमाग खराब हो गया है। जब आप 20 साल की उम्र में होते हैं, तब आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। ये तो इस तरह है कि आप जिम छोड़ नहीं सकते। ट्रेडमिल पर भागना कितना अच्छा लगता है। आप अपने बाइसेप्स का अपने पेट से ज्यादा ध्यान रखते हैं। आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। ओह, तुम कितने हैंडसम हो। और यहाँ आपको आकर्षित करने के लिए बहुत ही चीजें हैं। बिल्कुल, यहाँ तुम्हारे आसपास कितनी सुंदर लड़कियाँ हैं। और 30 साल में तुम एक तोंद वाले आलसी बन जाते हो। और एक्सरसाइज का सबसे अच्छा तरीका है बैठ जाना, शाम को टीवी के आगे टिक जाना। और क्या चाहिए तुम्हें? ओह अच्छा, टीवी का रिमोट। बिल्कुल, यकीनन मैं थका हुआ हूँ। वैसे आज के लिए इतना काफी था। तुम अब आराम से बैठो और अपनी तोंद बढ़ाओ। 20 साल की उम्र में आप अनचाही चीजें ज्यादा खरीदने लगते हैं। तुम अपने बॉयफ्रेंड को फार्मेसी भेजते हो प्लान बी के लिए और अब वो वापस आता है तो इतने खुश क्यों हो जाते हो, जैसे तुम्हें कोई लाखों गुलाम मिल गए हो। हालांकि ये तो बस आप समझ ही गए हैं। और 30 साल की उम्र में क्या क्या अनचाहा खरीदा जाता है। बच्चों के डायपर्स जो किसी भी समय खत्म हो जाते हैं। अच्छे माँ बाप बनने का उत्साह, ठीक है, पर अपने प्यार पर काबू रखो, नहीं तो तुम्हें दुगने डायपर्स लाने पड़ेंगे। जब 30 साल के लोग दूसरे कपल्स को प्यार करते हुए देखते हैं तो हमने ऐसा नहीं किया, ये कितने बेशर्म है। बेशर्मी की तो हद होती है। खुलेआम ऐसा कौन करता है? शायद ये पूरी तरह सही ना हो। शायद किसी को अपनी याददाश्त बरकरार रखने के लिए कोई दवा खानी चाहिए। याद है तुम कॉलेज में क्या करती थी? बिल्कुल ठीक। चलो सेलिब्रेशंस के बारे में बात करते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम 20 साल की होने वाली हो। तुम्हें किस तरह का गिफ्ट चाहिए? वैसे एक हमाम दस्ता तो शायद बिल्कुल नहीं। ओह, ये कैसा है? चलो कोई बात नहीं, मैं इससे कुछ करके दिखाता हूँ। ये माइक्रोफोन की तरह दिखता है। क्या मसाले पीसना? ओह, मैं याद भी नहीं करना चाहती कि मुझे ये सब करना होगा। वैसे अभी सब लोग आए नहीं तो ये गिफ्ट बेकार है। चलो छोड़ो भी, आज पार्टी का दिन है, इसे मनाते हैं। आज हम धूम मचाने वाले हैं। चलो सोचो 10 साल के बाद ऐसा करने से क्या होगा। एक हमाम और एक दस्ता। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए था? मैं कब से इसे लेने की सोच रही थी। ये अब तक का सबसे बेहतरीन तोहफा है। पर ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर नहीं जाते, क्यों ना घर ही बैठे और मूवी देखें। ओह, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जब आप 20 की उम्र में होते हैं तब आपको जिंदगी जीने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, ना ही गैजेट्स चलाने की। आपको सारे जुगाड़ करने आते हैं और आप किसी भी परेशानी से खुद ही निपट लेते हैं। बस अपना दिमाग चलाओ, ये किसी दूसरे की सलाह लेने से बेहतर है।
पर जब आप 30 साल के होते हैं आप जल्दी से घबरा जाते हैं। आप एक नया गैजेट लाते हैं और बैठ जाते हैं। उसका मैनुअल पढ़े बगैर आप उसे छूने से डरते हैं। अगर ये टूट गया तो क्या होगा? ओ, लगता है ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा। आजकल की टेक्नोलॉजी, कितनी नई नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में कल सोचूंगा। ये बेहतर है कि मैं किसी स्पेशलिस्ट को बुला लूंगा। क्या आपको हमारे 20 और 30 की उम्र के लोगों के बारे में जानकर अच्छा लगा? इसमें से कौन सी स्थिति आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।